जय श्री राधे। मित्रों, वैदिक ऋषि यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रबल रूप से धन हानि के कैसे योग बनते हैं, इसके विषय में बताने जा रहे हैं। धन हानि के योग बनने के साथ साथ पहले तो हमें ये जानना है कि धन की प्राप्ति कैसे होती है। सभी को मालूम है कि केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान, केंद्र स्थान 1 4 7 10 भाव, ये जो है ये केंद्र है जिनको हम विष्णु के रूप में जानते हैं। 5 9 भाव, पांचवा घर और नौवां घर, ये लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। जब यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण का आपस में संबंध होता है तो धन का योग बनता ही बनता है। साथ में एक और भाव है लाभ भाव, एकादश भाव, जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भी है और उसे लाभ भाव भी बोला जाता है, 11वां भाव। तो ये जो 7 भाव है, केंद्र, त्रिकोण और लाभ भाव, ये मिला के 7 भाव हैं जिनसे धन आने का योग, आपकी जब इसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलती है तो निश्चित ही आपको धनार्जन का योग बनता है, लाभ मिलता है। अगर आपका जन्म समय और टाइम बहुत अच्छे और सुंदर ढंग से मिनट तक सही है तो आप अपनी दशा को प्राण दशा तक देख सकते हैं और उससे आपको जो फलादेश मिलेगा वह बहुत ही सटीक उत्तर प्राप्त होगा। तो आज हम आपको इनके विपरीत, जैसे हम निर्धन योग या धन के हानि का योग कैसे बनता है, जब भी जान लीजिए कि जो त्रिक भाव है, जैसे छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये 6 8 12 भाव एक प्रकार का खराब भाव माना जाता है। यह आपस में ही अगर स्थान परिवर्तन करते हैं तो राजयोग बन जाता है, परंतु अगर आपस में स्थान परिवर्तन न करके ये जिस जिस भाव में इनके स्वामी बैठते हैं उस भाव को ये नुकसान पहुंचाते हैं। अब यहां पे ये हमें बताना है कि कैसे होता है, इसको कैसे जाने, तो हम ये बोर्ड के ऊपर आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक चक्र बनाया हुआ है, तो जो घर है हमने सीधा सीधा उसको प्रदर्शित किया हुआ है कि पहला घर माने पहला अंक जिसको लिखा हूं वह 1, वह पहला घर है। दूसरा अंक जो लिखा हूं वह दूसरा घर है। ऐसे करके मैंने 12 घरों को लिख दिया और आप इनको भाव मानिएगा। ये जो 12 घर हैं ये 12 भाव हैं। इन 12 भावों को अब मैंने आपको बताया कि केंद्र, आप जहां जहां पे अंक लिखा हुआ है 1 4 7 10, ये जो भाव है इसको केंद्र कहते हैं। और साथ में 5 और 9 जहां लिखा हुआ है इस भाव को त्रिकोण कहते हैं। यहां पे दूसरा एक चीज और ध्यान रखें, 11वां जहां लिखा है, 11 अंक जो लिखा है वहां उसको हम बोलते हैं लाभ भाव। अब इनका आपस में अगर संबंध या युति या दृष्टि संबंध बनते हैं या परिवर्तन होता है आपस में तो निश्चित ही आपको धनार्जन देते हैं। परंतु अब हम आपको बता रहे हैं कि धन हानि का योग कैसे बनता है। धन हानि के लिए इन स्थानों के स्वामी अगर 6ठे 8वें और 12वें भाव में जाते हैं तो निश्चित ही धन हानि का योग बनता है। अब 6 8 12 भाव ये जो त्रिक है, साथ में तीसरा भाव भी लिया जाता है कहीं कहीं, क्योंकि तीसरा भाव भी पराक्रम का है, वह भी नुकसानदायक है परंतु पराक्रम के लिए नहीं। तो हम 6 8 12 भाव को ही लेकर के बात करेंगे। यहां पे आपको ध्यान से देखना है कि कैसे यह योग बनते हैं। जैसे
लग्न से आठ बारह भाव पे, लग्न जो है एक लिखा हुआ वह लग्न है, लग्न से आठवां जहां पे आठ अंक लिखा है वह आठवां भाव है, और बारह जहां पे बारह लिखा हुआ है वहां पे बारहवां भाव है। भाव पे लग्नेश की राशि दृष्टि से अगर इनकी होती है तो ये निर्धनता को प्रदान करवाते हैं, निर्धनता देते हैं। जैसे ध्यान रखें कि लग्न का मालिक अगर 6, 8, 12 भाव के साथ इनके स्वामी के साथ संबंध स्थापित करे, दृष्टि में हो तो धन की हानि करते हैं, अगर इनके साथ बैठ जाएं तो नुकसान करते हैं, आपको पीड़ा देते हैं। जब इनकी दशा अंतरदशा आती है तो ये आपको ज़्यादा पीड़ित करते हैं। साथ में ये ध्यान रखें कि जब लग्नेश लग्न का मालिक और छठे भाव का मालिक, जो अंक हमने लिखा उसी की बात कर रहे हैं। लग्नेश का मतलब जब हम लग्न बोलें तो लग्न का स्वामी वह लग्नेश होता है, छठे भाव का स्वामी खष्टेश होता है। तो जब लग्नेश और खष्टेश का संबंध मार्केश से हो जाए तो भी आपको धन हानि का योग बनाएंगे। यह लग्नेश का अष्टम में मार्केश से युत या दृष्ट हो तो भी, लग्नेश का अष्टम भाव में विराजमान हो और मार्केश से उसकी संबंध या युति या दृष्टि के द्वारा हो तो निश्चित याद रखिएगा कि वो भी धन हानि का योग बनाते हैं। जैसे ध्यान, एक और बार ध्यान रखना है कि पंचमेश, पांचवें स्थान का अधिपति पंचमेश, छठे और नौवें, पांचवें स्थान का अधिपति छठे भाव में हो और बारह नौवें भाव का अधिपति जो नौवां अंक लिखा है जिसको हम नौमेश बोलते हैं, नौवें भाव का मालिक बारहवें भाव में हो तथा दोनों ही मार्केश यानी कि दूसरे और सातवें घर के मालिक से देखे जाते हो या उनकी दृष्टि हो। देखने का मतलब क्या है कि हर ग्रह अपने स्थान से सातवें भाव को देखता है, उसके साथ साथ युति माने जुड़ना, अगर या तो उनके साथ हो बैठा हो तो भी समस्याएं उत्पन्न करता है, यानी निर्धनता देता है, यानी धन को नाश करता है, धन लेने नहीं देता। इसी प्रकार से आप अगर आगे बढ़ेंगे तो ये जो निर्धनता का योग है आप किसी की कुंडली में देख सकते हैं कि ऐसे जातक, ऐसे व्यक्ति की धन की कमी असफलता कब प्राप्त होती है और वह दशा अंतरदशा से प्रत्यंतर दशा से अप्रत्यंतर दशा तक लिया करिए। अगर आपका टाइम एकदम क्लियर और मिनट तक है तब तो आप उसे प्राण दशा तक ले जाएं। अगर प्राण दशा तक आपको समझ में आ रहा हो तो, अन्यथा आप केवल महादशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा तक की बात करें और इन तीनों का संबंध आपको जोड़ना अनिवार्य है, क्योंकि महादशा एक लंबी दूरी का होता है, सालों में होता है, अंतरदशा आपका वह भी साल में होता है, कभी कभी वो महीने में भी होता है, परंतु प्रत्यंतर दशा वह आपका साल से लेकर के महीने में होता है। उससे फायदा क्या होता है कि हमें पता चलता है कि मेरा कैसा समय चल रहा है। अगर मेरा समय और अच्छा होता है तो हम प्राण दशा तक जब जाते हैं तो यह मुझे मात्र हफ्ते दो दिन चार दिन का ही परिणाम देता है, और यह हमें पता चलता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम आने वाला है या नहीं है। इसलिए हम इन तीनों को संबंध को जोड़ करके जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें निर्धनता का योग, यानी हम बार बार क्यों धन हानि का योग बन रहा है। धन हानि के योग जब बनते हैं तो उन्हें हम बचाए कैसे, प्रयत्न करें उस समय हम कहीं इन्वेस्ट न करें, प्रयत्न करें उस समय हम जो हमारे पास है उसको किसी के बहकावे में न आ करके जैसे उसको सुरक्षित रहने दें और अपने कार्य को करें। अब बात यहां आती है कि हम बैठ करके करेंगे क्या, इतना लंबा समय तो हम व्यतीत नहीं करेंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा समय मिलेगा,
अब आपको यह देखना है कि कहीं आपके अंदर आलस्य की वृद्धि तो नहीं हो रही है, कहीं आपका मन दिग्भ्रमित तो नहीं हो रहा है। तो आप उस समय अपने को संयमित करके और ध्यान से किसी भी अच्छे ज्योतिषी के पास जा करके पत्रिका दिखा करके निर्णय लें, जिसमें आपको पता चले कि आपको कार्य करना है या अभी नहीं, और स्थिरता रखनी है। तो हमें तब पता चलता है कि यह हमें धन लाभ का योग या जो निर्धनता का योग बना हुआ है धन हानि का। एक चीज जरूर ध्यान रखें कि राहु, केतु और शनि, इसके साथ साथ 12वें का मालिक, 12वें भाव का मालिक, ये सब भी आपको धन हानि की तरफ प्रेरित करते हैं। अगर इनकी दृष्टि है अगर अच्छे ढंग से नहीं है तो निश्चित ये नुकसान करेंगे। जैसे 6, 8, 12 भाव के स्वामी नुकसान करते हैं, वैसे ये निश्चित वहां पे अभाव उत्पन्न करते हैं। शनि भी अभाव उत्पन्न करता है। जब योग कारक बनता है तो आपको लाभ देता है, अगर योग कारक नहीं बना तो आपको आलस्य देता है, खिन्नता देता है, मन के अंदर विकार उत्पन्न करता है, आप परेशान हो जाते हैं। और उस परेशानी में जब आप बढ़ता है तो आप अपना नुकसान स्वतः करते हैं। फिर यह कहा जाता है कि इन्होंने किया इन्होंने नहीं, जब हम परेशान हो जाएंगे तो निश्चित है अपना नुकसान स्वतः करेंगे। इसलिए धैर्य के साथ इन ग्रहों को आपको संभालना चाहिए, यानी इनसे निकलने का उपाय करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप किसी का उदाहरण भी देखना चाहें तो वह हम आपको दिखा सकते हैं, परंतु इस समय केवल मात्र इतना जाने कि 6, 8, 12 भाव का स्वामी जो 7 भाव हैं, केंद्र और त्रिकोण और लाभ भाव, अगर इनसे संबंध, दृष्टि संबंध, युति संबंध बनाते हैं तो या स्थान परिवर्तन का संबंध बनाते हैं तो निश्चित ही वह व्यक्ति को निर्धनता देते हैं, प्रबल धन हानि का योग बनाते हैं। प्रबल धन हानि का योग कैसे बनेगा? जब दशांतर दशा आएगा उस समय हमें कहीं भी रुपया पैसा नहीं लगाना है। कोई नए कार्य के प्रारंभ हेतु हमें तुरंत तत्पर नहीं होना है, अगर हो गए तो हमारा पैसा रुक जाएगा। या हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमें कोई नई आइटम यानी नए सामग्री अपने यहाँ पे लाना है तो उस समय भी ध्यान से न लाएं, अन्यथा यह अपने पैसे को खा जाएगा यानी रोक देगा। तो अगर हम इसको दृष्टि में रखें तो हम नुकसान से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। मित्रों, अगर आपको ये समझ आने में समस्या आ रही हो कि ये क्या है, तो आप हमारी कुंडली ऐप है उसे आप डाउनलोड करके उसमें आप पूरी जनपत्री देख सकते हैं, और जो मैंने ये आपको प्रयोग बताया है उस प्रयोग को उस पर अप्लाई करें, आपको निश्चित अच्छे फल की प्राप्ति होगी। और यह दरिद्र योग से बचने का जो साधारण सा योग है, उस समय हमें शांति से समय को बिताना चाहिए, साथ में शिव को जल चढ़ाना चाहिए और प्रयत्न करें कि अपने माता पिता के साथ अच्छे संबंध को रखें, किसी से बेबात का झगड़ा मोल न लें, और हो सके तो उस समय पर श्री श्रीयै नमः का मंत्र का जाप करें, जितना जाप ज्यादा से ज्यादा कर सकें। ओम श्री श्रीयै नमः यह भी कर सकते हैं, इससे भी लाभ मिलेगा। और या जो आपके विद्वान पंडित या बुजुर्ग आपको उपाय सुझाते हैं उस उपाय को करके भी आप लाभ ले सकते हैं। जय श्री राधे।